नमस्कार दोस्तों, मैं आज कौन सा गांव नमस्कार दोस्तों मैं आज पहुंचा हूं अंसावास खुर्द गांव में। ये दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहां एक बहुत ही ठंडा मामला देखने को मिला है। मामला क्या है मैं एक बार डिटेल में थोड़ा आप बता दूं। जो सपना जी है इस गांव में, वो उसकी शादी हुई थी 2017 में और अभी जो एक साल से उसका हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ टच में ही रह रहा है और उसने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन वो लिविंग रिलेशनशिप मामले में रह रहा है। कुछ भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल हमारे साथ अंसावास खुर्द गांव के सरपंच जी हैं और अन्य लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे गाँव में, आपकी पत्रकार इसके जो भी चैनल है आपको, आपका स्वागत है। और आपने जो बात अब क्वेश्चन जो किए, बात ये सच्चाई है। ये सपना जो है ना, हमारे गांव की बहू है रणबीर सिंह जो है फूलचंद का, वो इसको शादी करके लाया था, शादी करके नोएडा से, पुत्र वधु है उसका, अनुपलर उसका नाम है। और भाई जो है ना, मैंने तो थाना में वाला लड़की देखी थी, मोद की कोई लड़की है, अच्छा, जिया का है। अच्छा अच्छा। वो उसके साथ रह रही है भाई, रोड़ा दो तीन बार जो गाँव में इनका झगड़ा तो कई दिन से चल रहा है। सही बात तो सपना रणबीर ये बताऊं, गांव के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये दोनों घर आबाद रहें। जिसकी भी गलती है दोनों घर समझा बुझा के उनका कुनबा था, गांव तो उनका कुनबा, कोई आदमी को नहीं उड़े। ये गांव राम खड़े, सरपंच खड़े, भाई मैं भी आ गया, बिल्कुल सही बात। तो गांव राम ये था, ये घर आबाद रहे। गलती किसकी है, सारा गांव ने बेरोस है, थाना ना भी बेरोस है, सब ने बेरोस है, लेकिन भाई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ठीक है, तो अंकल जी आप एक बात बताओ, पहले जुकर अपनी हरियाणा में शादी होया कर दी, जब हम जिस तुम्हारी शादी होगी, जब लग उस तुम्हारा तलाक नहीं होगा तो हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो एक पॉइंट है कि रिलेशन में रखनु चाहो यो कौन सो, पहले तो थे गोती नाती भाई को से दिक्कत हो जा, वो आप फूफी के रह जाऊं तो छोरी को जन्म कट जा, दिक्कत हो जाए। यो भाई मेरे को न्यारा तला तड़का मारा भी मास्टर के साथ, मैं और ये एक मैं आपको बता दूं, ये लिविंग रिलेशनशिप है। अगर ये लिविंग रिलेशनशिप में अगर हम किसी के साथ शादी कर रहे हैं ना, म्यूट कर लो इसको। अच्छा, अगर हम किसी के साथ शादी कर रहे हैं ना तो भी हम किसी लड़की के साथ रह सकते हैं, तो आपकी नजर में ये कानून कैसा है? मैं मेरी नजर में यो कानून तो बिल्कुल जीरो है, जीरो है। जो शादी करके लिया ना पूरी जिंदगी ता उम्र उसके साथ व्यतीत करे, दूसरा साथ तो यार कोई कदर है कोई कितर है, उसमें तो फिर परिवार सारा खराब हो जाता है, वो तो करेक्टरलेस चरित्रहीनता की बात है। जो हरियाणा में पहले ऐसा काम होता था तो गांव राम उसका ओका पानी बंद कर दिया करता, लेकिन ये भी ऐसा काम नहीं हो रहा। गांव राम भी कड़ी ना कड़ी डरे है, आगान तब बोल डरे है। आपने सही कह दी, डरे से को नाम लिखवा दे कोर्ट में कौन जा, तारीख चल रहे ओका पानी से बाहर कोई नहीं कर सकता, न्यायालय के भी विरुद्ध काम है ये। बिल्कुल, तो भाईचारा तो नहीं, भाई भाईचारा नहीं चाहोगे कि इसका घर बस जा, बस जाए घर बस जा, वो समझाऊ उसको और उसको परिवार समझाओ। गांव तो उसके बाद में गांव के करे, गांव का धारा आदमी ये डरता है बेचड़ का कोई इलम लाग जा, चोरी का लाग जा, जारी का लाग जा और कहीं का लाग जा, कौन तारे भुगता है, पता सबको है, पता सबको, सबको पता है, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहे, कोई नहीं आना चाहो आगे भाई, आगे कौन आवे, क्यों आवे। ये सपना जी के घर की कहानी है, लेकिन कल परिवार का दिखा, परिवार का 60 घर परिवार था, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चोरान खाप में 60 घर को सबसे बड़ा, सबसे बड़ा परिवार है। उस परिवार का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहे, जोतराम के पढ़ते हैं, जोतराम गांव का 25-30 आदमी है, उनमें तो भी कोई आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने नू लग गए है, जो या लेडीज है, ये महिला है, इसके साथ गलत अत्याचार हो रहे हैं। ये तो यार सारा काम नहीं लगा, मेरे तो क्यों को आज काम काम मेरे में ना, ना कोर्ट में तारीख लगवाओ के मेरी ना ना, आप तो क्यों कोई तो बाबा रणबीर नाराज हो जाओ। रणबीर क्यों, अगर मेरी बात सुन अंकल जी, अगर सच्चाई जो दिख रही है, अगर नहीं बोल लेंगे तो वो काम आपके साथ भी हो सकता है, कल उसका तो कोई भी गांव काम हो जाएगा है, गांव मेरे साथ भी हो जाए, मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है। पता जो सच है वो बोलना चाहिए, सच बात तो ये है भाई, ये गांव की छोरे की बहू है, इसने उड़े रहना चाहिए, घर दोनों समझा बुझा के उड़े रहे, सच्चाई बात तो ये है। वो दूसरी लड़की नहीं लानी चाहिए थी, नहीं लानी चाहिए थी, और यही इसके साथ उसका पूरा जीवन निर्वहन करे, खुश आबाद ये रहो। 20 सालों का जो कहना सुनहरी रोटी खा ली बेचारी, गलत बात है कि और माँ बाप न्यारो कर दे, उसने 1 किलो को दिन वो भी अपने बालकन पाला है, मजदूरी करके पढ़ता है। लेकिन एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, जो सपना जी ने बयान दिया भाई,
जो इसका हस्बैंड है, क्या नाम उसका? अनूप नाम, अनूप है भाई, इसने जबरदस्ती शादी की थी, ऐसा कुछ आपने सुना था? भाई देखो ये तो वो जाने रहा, अनूप जाने इस बारे राम राम से बारात भी गई होगी साहब जी। बारात को मैं तो फेसबुक पर देखी थी, सुखविंदर मैंड की फोटो है उसकी, शादी की वापिस है एक बार वो कौन से राजेंद्र सिंह खरकियो से वेदपाल से के नाम से मैं सुनी थी, वाट्यूब पर देखी थी। अच्छा, उसके भी एल्बम लारी से। लेकिन कहीं ना कहीं नू नहीं दिख रहा भैया जबरदस्ती, जबरदस्ती में तो इतने आदमी आते भी कौन है, जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती है किसी प्रकार से। जबरदस्ती कौन सी? जो शादी वाली है, जो सपना के साथ भाई तो ब्याह की लाया था यार, ब्याह की लाया था। लेकिन वो आरोप लगा रहा, हमने उसकी वीडियो देखी, जो इसका आदमी है वो ये कह रहा है इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करी भाई। इसके बारे में ये गल की बात हमने नहीं, मेरा हम तो नहीं सुनी जाए भाई, रणबीर को ब्याह करो रहा तो छोरो भी हो रहे उसके भाई, ब्याह की लिया नोएडा तो लिया गाँव का आदमी बारात में दो चार पाँच दस गया होगा, लेकिन वो ब्याह तो कौन थो कौन सा ब्याह? कौन सा बताओ? जो ठोकी तो मेड़ करे, ठोकी बरात ले जा गाजा बाजा खात, वो ब्याह ठोको नहीं हो, वो कौन नहीं था कहीं ना कहीं लीजिए थी तो बजाए दी यार। हमने सपना जी की एल्बम देखी है, एक मिनट रुको जी, सपना जी की एल्बम देखी है, कम से कम उनमें 100 से 150 लोग हैं, इतने तो जबरदस्ती नहीं आ सकते। अरे मना नहीं करो भाई, मेरा बाजे बाजे तो उसमें खूब हो रहा है, तो भाई मेरा ध्यान रखो, ध्यान रखो, चाहे तो बता दो कि देखा सीखा दी भैया पर गया कुछ ना कर रहा। अच्छा 10 दिन अमन एक अंकल जी है, अमन तक पूछेंगे आज जबरदस्ती शादी हुई थी कि नहीं हुई? नहीं जबरदस्ती कोई, राज जी खुशी हुई थी, मतलब राज जी खुशी हुई थी, सारा गांव ने देखी थी, कम से कम 10 दिन तक संदूत को जीने दिया, सामने नाचन लाए जा तड़के दिल काट दिया। लेकिन जो अनूप है, जो सपना का हस्बैंड है, वो तो ये आरोप लगा रहा भाई मेरी तो जबरदस्ती शादी, ना झूठ बोल रहा, सारी बात बिल्कुल झूठ है। सारा गांव ने देखी भैया था गए ढोलक बजाम दो भाई, खुद खुद नाच दो, गांव का भी उसका यार दोस्त था वह भी भाई दलित में गए थे दो चार आदमी सुनी। तो आपकी जो आपके गांव की महिला है इसके साथ अच्छा चार हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? हो रहे इसके साथ गलत हो रहे, लेकिन गांव राम इसकी कितनी सपोर्ट कर रहा है? गांव तो सारो कर रहे, एक आधो भाई हो मास्टर में थोड़ा हो दबे से, बाकी गांव सारो उसका हक में, उसके हक में, उसका हक में। कई लोग मैंने देखे कमरे के सामने नहीं आ रहे, सच ने सच नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे भाई, भाई थोड़ो किशन तो सरपंच उठनो से, सरपंच साहब एक मिनट सुने भाई, किशन तो सरपंच उठनो से, किशन भाई चेयरमैन उठनो से, अन का वोट चाहिए 20-30 मन्नत के में कौन चाहिए, बाकी इसके साथ कुंजा हो रहे अन्याय हो रहा कहीं ना, अन्याय हो रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। जो ये कानून है हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हुआ करता, जिस तुम्हारी एक बार शादी होगी जब लगवा ना, हिंदू धर्म में एक के साथ दी हो, एक के साथ दी हो, कानून नहीं बैठा बैठा रखे लड़की राख सके थे यार आने में, यो सरकार ने गलत काम कर, गलत काम कर रहा है, कड़ी ना कड़ी यू कानून बंद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बंद तो यू। आज के टाइम में हर रोज की ये कहानी होने लग रही है, या इसके साथ एक दो टप्पा और दे दी भाई, दूसरी लड़की जो ब्याह वाली ने दुखी करे तो फिर उसकी सजा होनी चाहिए, या कानून साथ होनी चाहिए, न्यू रखी जाओ तो सोबर। तो आप कहीं ना कहीं जो ये कानून है इसके खिलाफ हो? मैं इसके खिलाफ। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद।